नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। सभी ने अपना एग्ज़ाम टाइम टेबल देख लिया है और दोस्तों तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बेहतर तैयारी के साथ में आगे बढ़िए। आज का जो आपका ये वीडियो रहेगा, ये आपकी फुल फॉर्म पर आधारित रहेगा और ये वीडियो सबसे ज़्यादा सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 4 से 5 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, जहां पर फुल फॉर्म बताए गए हैं और उनके लिए उतनी वीडियोस बहुत ही सफिशियंट हैं, बहुत ही सही हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितनी भी वीडियोस आपको फुल फॉर्म्स की दी गई थी, फुल फॉर्म आपको 90% वहीं से फंसे थे। और सेकेंड ईयर का जो ये आपका एक ही वीडियो आपका है फुल फॉर्म्स का, दूसरा वीडियो फुल फॉर्म को अपलोड नहीं किया जाएगा। एक वीडियो में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं आपको ये तैयार करनी है, प्लस आपको जितनी भी फर्स्ट ईयर में फुल फॉर्म्स पढ़ाई गई थी वो भी आपको तैयार करनी है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल फॉर्म आपका फर्स्ट ईयर में जो पूछा गया था वो सेकेंड ईयर में आपका ना पूछा जाए, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स फर्स्ट ईयर की भी आपको तैयार करनी है और सेकेंड ईयर की भी आपको तैयार करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सेकेंड ईयर की फुल फॉर्म्स पर ही देना है। सबसे दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनेस्को, और आपका चाहे वो यूनिसेफ हो या यूनेस्को हो, इन दोनों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म्स आपकी सभी सब्जेक्ट्स से ढूंढी गई, उनको एक सीरियल से लगाया गया और उसके बाद में दोस्तों आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी कि आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो आप सभी का एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं, स्पेशल एजुकेशन का एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके साथ हमेशा तत्पर लगा रहता है और जितने भी आपको वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यूनिस्को का जो आपका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। SEC यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं UGC की, यानी कि यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, ग्रांट्स कमीशन। इसके बाद हम बात करते हैं NCTE की, और ये फुल फॉर्म आपकी फर्स्ट ईयर में भी पूछी गई थी और सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं SCERT और NCERT की, ठीक है। SCERT और NCERT की, SCERT क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद में बात करते हैं NGO, ये आपसे फर्स्ट ईयर में भी आपकी इंपॉर्टेंट थी और सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SSA, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएगा, UEE, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं BRC और CRC की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BRC, CRC और CWSN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CRC आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। कुछ लोग CRC को कहते हैं सर, क्योंकि जो भी बहुत सारी CRC यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं कंपोसाइट रीजनल सेंटर्स, ठीक है, जहाँ पर DEd और BEd चलाया जाता है, और तो उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर से होता है, तो यहाँ पर आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ही आप लोग लिखिएगा। CWSN आप सभी को पता है, आपने जब DEd स्पेशल एजुकेशन करना शुरू किया होगा तभी से आपको पता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं डाइट की और डाइस की, ठीक है। तो क्या होता है डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और डाइस का क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये होता है आपका डाइस।
इसके बाद में बात करते हैं डीपीईपी की, डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर डीपीईपी पर, ठीक है। इसके बाद में टीएलएम, आप सभी को पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और सेकेंड ईयर के लिए टीएलएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट कब आया आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, कब आया या कब आया और फिर कब लागू किया गया, ये सभी दोनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। राइट टू एजुकेशन, जहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है, यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूईसी यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसीई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीसीई की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और दोस्तों वीडियो को सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आपको भी सभी मित्रों को अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से जोड़ना है। और जुलाई समाप्त होते होते, ठीक है, कम से कम यहाँ पर 38,000 यहाँ पर आपके हो चुके हैं, यानी कि 38K लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कम से कम भैया 5,000 का टारगेट लीजिए, 5,000 का, यानी कि 5K स्टूडेंट यहाँ पर कम से कम आप लोग जोड़िए अपने इस परिवार से, चाहे वो आईडी का हो, वीआई का हो, एचआई का हो, क्योंकि यहाँ पर कॉमन पेपर तो पढ़ाए जाएंगे और जितनी भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, तो सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप सभी का उत्तरदायित्व है दोस्तों। IFSP और IEP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान, IEP इंडिविजुअल एजुकेशन आपका प्रोग्राम प्लान, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो ये आप लोग लिखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईईपी, और आईईपी की आप सभी ने फाइल भी बनाई होगी, ठीक है, आईईपी की आप सभी ने फाइल बनाई होगी, जिसमें आप लोगों ने बच्चे पर एक गोल लिए होंगे, और गोल लेने के बाद में भैया आप लोगों ने सभी ने उस पर कार्य भी किया होगा, ठीक है, किस बच्चे को लिया, कैसे कार्य किया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप लोग इसको ना लिख करके आप लोग यही लिखिएगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो नहीं, जिसको नहीं पता है वो ये भी लिख सकता है, लेकिन आपको ये लिखना है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को, आपके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपका आईपी यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका EENET, ठीक है, तो इनेबलिंग एजुकेशन नेटवर्क। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा आपका CBID, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, CBID, और CBID प्रोग्राम RCI ने लॉन्च भी किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं CBR की, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की, ठीक है, और इसकी भी आप लोगों ने फाइल बनाई होगी, ठीक है। IEDA यानी कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं IEDSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UDL यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा RMSA, एक आपका सर्व शिक्षा अभियान, एक आपका RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NCF की, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं IEC की, यानी कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं PBS यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CBO यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आपका MSJE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पेपर में आपसे पूछा गया MSJE के बारे में, तो आप क्या बताओगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
ठीक है। नेक्स्ट आपका NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आपका ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट आपका ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटी, ठीक है। STEM ये आपकी एक अच्छी फुल फॉर्म है और ये आपसे पूछी जा सकती है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे हम लोग पिछली बार 3R को पढ़े थे या पिछली बार हमने 4R को पढ़ा था, इनकी दोनों की आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तुरंत बतानी है फुल फॉर्म कि 3R के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, 4R के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। इसके बाद में ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि आपका ADHD इतना इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका OT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। PT आप प्ले थेरेपी भी लिख सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SLT यानी कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। नेक्स्ट आपका CBT यानी कि आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट आपका PTSD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PTSD पोस्ट टर्मिनिक आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं OCD की, ठीक है। ये सारी फुल फॉर्म जितनी आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 फुल फॉर्म आपको एक पेपर में टोटल आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है, कितनी भैया 30, ठीक है। उनमें से मान लीजिए कि कुछ एक दो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी 3-4 देखने को मिल जाते हैं, ये मान के चलिए कि 20 से 25 फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं। तो वो 20 से 25 जो फुल फॉर्म आपकी हैं, ये फुल फॉर्म आपको यहीं से देखने को मिलेंगी, डिट्टो यहीं से, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखी थी ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर में भी देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेन कॉपी स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है इसको ले लीजिए और याद कर लीजिए दिमाग में बैठा करके वो भी, ठीक है। आपका AAC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गुमेंटिव एंड अंटेंटिव कम्युनिकेशन। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका AIASIDD, ठीक है। IDD के आप सभी को पता है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में आपको ये भी पता होनी चाहिए, तो आपका होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्पेसिफिक स्टडी, ठीक है, ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, ROM रेंज ऑफ मोशन। स्मार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका, स्पेसिफिक मिजरेबल अटेंशनेबल रिजल्ट्स ओरिएंटेन, ठीक है, एंड टाइम बाउंड, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी फुल फॉर्म है आपके लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्मार्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे भाई बहन सेकेंड ईयर के हैं, इतनी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर की भी फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। प्लेलिस्ट भैया फुल फॉर्म की बना दी गई है, वहां पर आपको 5 से 6 यानी कि हम कह सकते हैं 4 से 5 वीडियोस आपको फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की देखने को मिल जाएंगी। आप सभी लिस्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के फुल फॉर्म्स को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।